हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलीट इंग्लिश क्लब। एंड टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9 फ्रॉम बिहाइंड बुक चैप्टर 7। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें राइटर ने अपनी ही लाइफ का एक्सपीरियंस लिखा है और वो खुद ही यहाँ पर स्पीकर है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। जेरोम के जेरोम इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिनका जन्म 2 मई 1859 में कार्मोर यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ये एक इंग्लिश राइटर और ह्यूमरिस्ट है। ये कॉमिक ट्रेवलॉग के लिए जाने जाते हैं। इनकी मुख्य ट्रेवलॉग थ्री मैन इन अ बोट है। इनके अदर वर्क्स जो कि ऐसे कलेक्शंस के अंतर्गत आते हैं, उनमें से आइडल थॉट ऑफ एन आइडल फेलो, सेकंड थॉट ऑफ एन आइडल फेलो, थ्री मैन ऑन द विमल, अ सीक्वल टू थ्री मैन इन ए बोट और तजने बहुत सारी इनकी फेमस नॉवेल हैं। इनकी मृत्यु 14 जून 1927 में नॉर्थहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल यूनाइटेड किंगडम में हुई। इनकी वाइफ का नाम जॉर्जिना एलिजाबेथ और इनके बच्चे का नाम रोवेना। तो अब हम ऑथर द्वारा लिखी गई फेमस एक्सट्रैक्ट थ्री मैन इन ए बोट पैकिंग से करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो इस स्टोरी के नरेटर हैं वो राइटर खुद ही हैं, जिनको अपनी पैकिंग पर बहुत ही नाज है, बहुत गर्व है कि बहुत अच्छी पैकिंग करती है। और ये अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस के साथ इसी ट्रिप पर जा रहे हैं। वो पूरा पैकिंग का मैटर बताते हैं, क्या क्या पैकिंग करना है। तो वो वो दोनों फ्रेंड आराम से बैठकर पैकिंग देखें उसकी। उसका मतलब ये था कि वो पैकिंग करने चाहने का मतलब वो डायरेक्ट करेगा, वो इंस्ट्रक्ट करेगा, वो सुपरवाइज करेगा, ना कि खुद वर्क करेगा। एंड वो सब की चीज का इंचार्ज बनना चाहता था, अपने फ्रेंड्स को सुपरवाइज करना चाहता था। लेकिन उसके फ्रेंड्स जॉर्ज और हैंगर्स ने उसका दूसरा मतलब निकाल कर खुद आराम से चेयर पर बैठ जाते हैं। और जब वो दोनों आराम से बैठकर उसको काम करते हुए देखते हैं, ये जेरोम को बहुत ही इरिटेट करता है। उसे अनकंफर्टेबल फील होता है जब कोई उसके सामने आराम से बैठकर उसे काम करता हुआ देखता है। और उसके इस एनर्जेटिक नेचर के कारण उसको लगता था कि वो सबसे अच्छा सुपरवाइज कर सकेगा। जब जेरोम पैक कर लेता है तो हैरिस पॉइंट आउट करता है कि जेरोम बूट को पैक करना भूल गया। तो फिर से जेरोम अपना बैग खोलता है, बूट को पैक करता है और जब ही तुरंत वो क्लोज करने जा रहा होता है, उसे डाउट होता है कि उसने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। उसे हमेशा एक नाइटमेयर्स आता था, बुरा सपना आता था कि वो अपना टूथब्रश हमेशा पैक करना भूल जाता है। फिर वो जगता है और अपना बैग में अपने टूथब्रश को सर्च करने लगता है। देन इन द मॉर्निंग ही पुट पैक इट बिफोर ही यूज इट। और सुबह जब उठता है तो वो बिना ब्रश यूज करे हो उसे पैक कर देता है। और जब उसे यूज करना होता है तो फिर से वो बैग को अनपैक करता है और ब्रश निकाल के फिर उसे रीपैक करता है। और रीपैक करते टाइम वो अपना टूथब्रश फिर से रखना भूल जाता है। देन उसको
जल्दी जल्दी में वो नीचे उतरता है, फिर ऊपर जाता है जब उसको याद आता है कि उसने अपना टूथब्रश तो पैक ही नहीं किया है। फिर वो अपना ब्रश लेने ऊपर जाता है टूथब्रश, और जल्दी जल्दी उसे हैंडकरचीफ में पैक करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। इस तरह का नाइटमेयर उसे हमेशा सताता है जब भी वो ट्रैवलिंग पर जाता है। हमेशा की तरह जेरोम हैड टू सर्च द बैग, जेरोम को फिर से बैग में सर्च करना पड़ता है जब उसे याद आता है कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। वो 118 टाइम्स जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश तो पाता है पर अपना टूथब्रश उसे नहीं मिलता। फिर अंततः उसे टूथब्रश उसके बूट में मिलता है। फिर उसे एक बार फिर से बैग को पैक करना पड़ता है। जब वो ये सब कुछ कर लेता है जॉर्ज उसे पूछता है क्या तुमने टूथब्रश पैक किया। जरूर इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है वो उसे इग्नोर करते हुए फिर से बैग पैक करते हैं। जॉर्ज और हैरिस की बारी आती है फूड हैम्पर्स को पैक करने की। जॉर्ज और हैरिस जब फूड हैम्पर पैकिंग कर रहे होते हैं वो अपने आप को ये प्रिटेंड करते हैं कि वो जेरोम से अच्छी पैकिंग कर लेते हैं। एंड जेरोम बहुत ही एक्साइटेड होता है उनकी इस पैकिंग एक्टिविटीज को देखने के लिए। जैसा कि उसने एंटिसिपेट किया होता है कि वो चीज़ें सारी तोड़फोड़ से शुरू करेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो पैकिंग शुरू करते हैं फूड हैम्पर की, वो एक कप को तोड़ देते हैं। फिर हैरिस एक्सीडेंटली टोमेटो को स्क्वैश कर देता है, और टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी रख के, स्ट्रॉबेरी जैम का पॉट रख के उसको तोड़ देता है। टोमेटो स्क्वैश हो जाते हैं। देन He had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर टीस्पून की सहायता से उसे टोमेटो को बाहर निकालना पड़ता है जो कि स्मैश हो चुके हैं। मोरोवर जॉर्ज बटर पर पैर रख देता है एंड इट वॉज जेरोम्स टर्न टू सिट बैक। अब जेरोम का टर्न था कि आराम से बैठकर उन लोगों की हरकतों को देख ले जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा इरीटेट कर रही थी। वो सब चीज़ों पर अपने पैर रख रहे थे और पैरों से चीज़ें इधर उधर बिखेर रहे थे एंड दे वर अनेबल टू फाइंड देम। और जब वो इधर से जब चीज़ें अनसिस्टमेटिक कर देते थे फिर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती थी जब उन्हें ज़रूरत होती थी। उन्होंने पाई को सबसे नीचे रख दिया और उस पर हैवी चीज़ें रख दी जिसके कारण पूरी पाई डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड दे पोर सॉल्ट ओवर द प्लेस और उस पर सब जगह नमक बिखरा देते हैं एंड डिड वंडर विद द बटर और बटर को खोजने लगते हैं कि आखिरकार वो बटर गया कहाँ। जॉर्ज को जब बटर मिलता है वो स्लीपर्स में चिपका हुआ होता है। फिर वो स्लीपर से निकाल कर वो उसे कैटल में रखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कैटल के अंदर नहीं जाता है। देन दे पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, फिर वो चेयर पर रख देते हैं और हैरिस चेयर पर जाके बैठ जाता है। फिर वो पूरे कमरे में उस बटर को ढूंढते हैं जो कि उसके टक पर लगा होता है। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद हैरिस सब कुछ सर्च कर लेता है, तब देखता है कि जॉर्ज ये फाइंड आउट करता है कि हैरिस के बैग पर वो लगा हुआ। फिर वो उसे निकाल कर डिपॉट में पैक करते हैं। देन टर्न ऑफ मॉन्टमोरेंसी, फिर मॉन्टमोरेंसी आ जाता है जिसका काम है कि वो उसे लगता है यदि वो अपने नॉटनेस से अपनी हरकतों से जब तक कोई तोड़ फोन नहीं करता उसका दिन पूरा नहीं होता और जब तक उसको नहीं खाता है। इस तरह से वो सारी चीज़ें इस तरह से होने लगता है जो चीज़ें बैक होने वाली थी वो उसके आने से सारी चीज़ें फिर से इधर उधर फैल जाती हैं। जब भी हैरिस और जॉर्ज
ये एक्सटेंड करके अपनी हाथ चीजों को बढ़ाने के लिए रुकते हैं, वो अपने नोज को पोक कर देता है बीच में, जिसके कारण उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है और वो जाम पर पैर रख देता है, सारी चीजें को डिसऑर्गेनाइज कर देता है हैम्पर के अंदर। वो पैर रख के लेमन्स के साथ खेलने लगता है, उसे लगता है लेमन्स आर द रैट्स, देन वो उन सबको डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारी अनकंफर्टेबल अनकाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के कारण और ट्रिमेंडस एफर्ट्स के कारण जब पैकिंग सुबह के 12:50 पर पूरी हो जाती है, हैरिस हैम्पर पर इस उम्मीद से बैठ जाता है कि सारी चीज़ें पैक हो गई हैं और अब कुछ टूटेगा नहीं। तो जॉर्ज अपने आप को कंसोल करता है, जो चीज़ें टूट चुकी हैं अब वो टूटने वाली फिर से नहीं हैं। इस प्रकार से अब वो बेड पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो 6:30 बजे सुबह उठेंगे। जॉर्ज वॉज ऑलरेडी अस्लीप बाय देन, जॉर्ज तब तक सो चुका था। जॉर्ज एंड जेरोम प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। वो जल्दी जल्दी सुबह उठने के उठते हैं, नहाते हैं एंड वेन टू बेड देमसेल्व्स, और फिर आप बेड पे चले जाते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी कि किस तरह से जॉर्ज एंड हैरिस ने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी एक पैकिंग में, और जिससे जेरोम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हुए। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड आई होप यू एंजॉयड इट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर।